हेलो तो ये है द सेकेंड एपिसोड ऑफ द म्यूज़िक सर्कल पॉडकास्ट और इस बार मैं बैठा हूँ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त वरुण जैन के साथ आई एम एक्चुअली अवज फैन ऑफ वरुण जैन एंड हिज म्यूज़िक कवर्स यू कैन ऑल्सो चेक हाउट हिज इंस्टाग्राम एंड हिज सोशल अकाउंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो तो पहला जो एपिसोड था एहसान सर के साथ उसमें हमने सिर्फ उनके गानों के बारे में बात किया था हाउ ईच सॉन्ग इज़ डी कंस्ट्रक्टेड हाउ द सॉन्ग केम अबाउट और उन फेमस गानों के पीछे की जो कहानी है हम लोगों ने वो देखा था बट दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्वर्जेसन है जो जब दो म्यूजिशियन दोस्त या जब दो दोस्त आपस में बैठ के जब मिल के बातें करती हैं जितनी रैंडमनेस होती है उस बातों में और जितना मजा आता है एक दोस्त के साथ बात करने में दिस कॉन्वर्जेसन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली दैट ऑल्सो चेकआउट माई वेबसाइट गौरव शर्मा म्यूजिक डॉट कॉम जिसमें आपको मिलेंगे गिटार सुपर सु जिसमें आपको क्लासिक बॉलीवुड गानों के गिटार मिलेंगे होप यू हैरुण जैन ऑन द एपिसोड म्यूजिक सर्कल बॉडकास्ट कौन ऐसे दिमाग में आते कि यार ये प्रोड्यूसर बहुत अलग चीज कर रहा है एक टाइम आएगा शायद आपको हम लोगों की बातें सुन के लिए समझ सकता है कि हैं कौन और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हो रहे <laughs> <laughs> तो बिल्कुल सही बात है कुछ भी नहीं और शायद तो <laughs> <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को ये मकाम दिया कि मैं आज <laughs> <laughs> मैंने इनको जब पहली बार फोन किया और बोला कि सर मैं ऐसा ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बनाएंगे और बैठ के बस हमको बातें करनी है तो आप आएंगे तो इन्होंने बोला कि भाई तेरे वास्ते तो जरूर आना पड़ेगा <laughs> ये चारा। ये बहुत अच्छा चांद तो पता नहीं लेके आऊंगा लेकिन गिटार जरूर लेके आऊंगा तो ये मेरे वास्ते गिटार लेके यहां पहुंच चुके हैं और ये बात मेरे को फोन पे सुन के इनसे इश्क नहीं इश्का हो गया था ओ, ओ, हो, हो, क्या बात है <laughs> यही बहुत सो मच गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे को मेरी बातें कहने का मौका दे रहे हैं आज अरे so यार। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ आपको गौरव बताओ क्या चल रहा है भाई चल रहा है मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ कि मेरा पहला जिंदगी का पॉडकास्ट है और मेरे को क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं मैं वाला देखो यार पहले हम लोग ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे जिनसे बात करना बहुत आसान हो सही बात और ये सबसे बेस्ट बात है हम दोनों का कि बातें होती जा सकती है तो सोचना नहीं पड़ता ना सोचने नहीं। लिए। <laughs> <इसलिए>। <laughs> वही 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 खैर दिमाग में कैसे ख्याल आया कि पॉडकास्ट करना चाहिए यार जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये देखा लाइफ में अगर आपको खुद से कुछ बेहतर करना है बेटर बनना है इंप्रूव करना है सक्सेस होना है कुछ भी हो एक फुल प्रूफ श्योर शॉर्ट वे ये है आपका सर्कल बदलो बिल्कुल ये मेरा मतलब मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है मेरे साथ होते हुए देखा है तो मैंने बोला कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये मतलब ऐसी चीज है जब आपके साथ हो रही होती है आपको पता नहीं चलता है करेक्ट वही प्रॉब्लम है इसमें तो जब आप नीचे जा रहे हो तब भी नहीं पता चलता तब तब भी भी नहीं नहीं पता पता चलता चलता है लेकिन एक अरे करेक्ट तो ये होता है लेकिन हाँ। सब कुछ जा चुका होता है तब मतलब? तक मतलब? मतलब हाँ, मतलब हाँ, हाँ, करेक्ट और कोई थर्ड पर्सन ही आके आपको ये बताता है कि भाई ये संगति छोड़ दे करेक्ट करेक्ट बट एक बार बताऊ

ये है? हाँ, जो होता है ना, उसका दिमाग थोड़ा विचलित और चलायमान ज्यादा होता है वो तो है समझ रहे हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है <laughs> और टैलेंटेड भी वो इसलिए है टैलेंट भी उसमें कहां से है क्योंकि बहुत क्यूरियस था हमेशा क्यूरियस हाँ है ना तो क्यूरोसिटी की ही वजह से वही रीजन होता है कि डेफिनेटली वो नई नई चीजों को तलाशता है डेफिनेटली और नई चीजों में एक गलत चीज भी होती है हम्म हम्म यार मेरे को लगता है एक मीडियोकर और इंसान में एक क्यूरियोसिटी का ही फर्क है बिल्कुल और कुछ भी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर आप और मैं हो तो हम लोग सोचेंगे कि हमने अभी जो किया इसको अगले बार बेटर कैसे करें बिल्कुल हो सकता है अभी भी चल रहा होगा करेक्ट करेक्ट बात करते आ, ये होता है तो मतलब अगली बार ऐसा क्या करें अगली बार कैसे इंप्रूव करें और कैसे ले सकते हैं या जो भी हो जो भी कर रहे हैं कि गाना हो कि पॉडकास्ट हो कि कुछ भी ये मैंने डेफिनेटली देखा है यार बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली तो एक और चीज होती है ना देखो ये कुदरत कुदरत <laughs> के ना एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि कुदरत के पास बहुत कुछ है और बेअा है जिसकी कोई सीमा नहीं है बिल्कुल तो क्या होता है कि कुदरत का इस्साम है क्या है कि जब हमारे पास ये ऑप्शन है और इतनी बड़ी कुदरत ने इतना कुछ दिया हुआ है नेचर ने अब तो आए हो यार कुछ जानो जानो हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल कुछ जानो कुछ पहचानो कुछ सीखो बिल्कुल लेकिन वही चीज है कि लेकिन हर इंसान में नहीं है पता ये हुँ. ये ये अर्ज में नहीं है मैंने ना बहुत लोग देखे मैंने देखा करेक्ट कि नहीं कुछ कुछ ना यार सीखना है कुछ जानना है सीखना छोड़ा जानना है लोगों में जानने की वर्ज नहीं है करेक्ट तो इसमें खैर अगर थोड़ा गहरा जाएंगे तो ये बात बहुत गहरी खींच सकती है

ये कुछ चीजों की कोशिश कर करके कुछ चीजें शायद नहीं हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोशिश करोगे करो कि मैं बीस साल का हूं सपोज सब, करो hmm. और मैं सोचता हूं कि आज मैं चलो गाना शुरू करता हूं मैं गाऊंगा hmm. और आपका पास्ट रिलेटेड ही नहीं है गाने से hmm. म्यूजिक से तो म्यूजिक इज समथिंग जो आप नहीं उस तरह से कर सकते हो correct, correct, समझ correct. रहे ना? टैलेंट भी होता आप, है। आप आप <laughs> <साथ नहीं। laughs> hmm. आप सीख सीख करके करके कभी कभी रहमान साहब नहीं बन एक एक hmm. सकते? सिंह शायद hmm. तो यही बात एक क्यूरियस होने की भी है कोई शायद होता है बचपन से हम लोग पता है

मतलब जो भी आप काम कर रहे हो आप लोगों से लोगों के लोगों से जाके मिलते हो सचिन जगह से मिलते हो अमित त्रिवेदी हो कोई भी हो आपको फिर वो जाके मिल के मिलके उनसे लगता होगा कि यार इनसे बेटर काम करना है यार और डेफिनेटली भाई बेटर दूसरी बात एक और चीज़ ये है कि देखो बेहतर के तो कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन बात क्या होती है मैं अलीगढ़ में जब था और जब मैं इधर आया और जब मैंने स्पेशली सचिन जगर अमित त्रिवेदी इन लोगों को बहुत क्लोजली देखा ना काम करते हुए भाई मेरा दिमाग खराब मैंने कहा क्या है यार बता मतलब क्या होता है ना आप अभी घर पे हो आपने कभी सीखा नहीं है कुछ इनफैक्ट आपने इंटरनेट से भी नहीं सीखा है हुँ, हुँ, हुँ। आपने खुद डी डब्ल्यू खोल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर करके देख रहे हो अच्छा से क्या होता है अच्छा उससे क्या होता है करते जा रहे हो ट्राई एंड एर वाला सीन बट जब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर कोई चीज देखते हो ना Hmm. भाई तब आपका दिमाग खराब होगा यार ये कैसे होती है ऐसे है। होता है क्या ओ। फिर वो होती है लर्निंग <laughs> तो मेरा ना दिमाग फट गया था मैं जब मैं देखा ना यार ये क्या तरीका है बट उससे बहुत कुछ सीखने को मिला पता है डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब उससे पता लगा नहीं यार चीजें कैसे होती हैं और क्या लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ बताया हर किसी को नहीं है आ रहा वो सब कुछ समझ हर यार मैं ये भी अग्री करूंगा क्योंकि लोगों का समझने का तरीका भी अलग है

क्या तरीका क्या तरीका है भाई कोई तरीका नहीं है यार मतलब आने का कोई तरीका नहीं है hmm. तरीका से फेक है आप आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत जैसे अभी आप सिंगर हो hmm. तो आप अभी तक ओल्ड स्कूल थॉट क्या था ये था कि नहीं यार आपको गाना आना चाहिए hmm. आपको रियाज करना hmm. आपको गाना आना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है hmm. लेकिन आज दौर चेंज हो चुका है यार हम इंडिपेंडेंट के जमाने में आ चुके हैं जहा एक तो बहुत सारे लोग हैं करेक्ट

ताकि वो हर हर मीडियम पे Correct. अच्छा साउंड करे करेक्ट करेक्ट फिर मैं बर्कली जब गया हुँ. तो वहां पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि भैया मेरे को सिर्फ गिटारिस्ट नहीं बनना है बिल्कुल बिल्कुल मैं बोला कि मेरे को गाना भी है उसका भी एक और रीजन है आप गिटार भी अच्छे से शायद तब प्ले कर पाओगे जब आप गिटार के अराउंड की चीज अच्छे से करोगे करेक्ट आज का ये मेन चीज है एक बार हिंदुस्तानी क्लासिकल बीच में एक बार सीख रहा था तो मैं मैम के पास गया तो सीखते टाइम

ये नहीं कि किसको मैं बंद कर दूं अभी डेली बजेगा ये <laughs> <चाहिए>। अरे यार <laughs> ये ये मस्त है हाँ ये सही है तो साढ़े सात बजने शाम के तो, मतलब, तो क्या हुआ कि दर्शन दोषी का मैं बहुत बड़ा फैन था मैं और मेरा फ्रेंड तुषार हम दोनों लीगर से मतलब हम दोनों ने काफी मतलब साथ में समझा म्यूजिक को ग्रोथ तो नहीं बोल सकते आप खुद से नहीं समझते आप ग्रोथ क्या होती है देखो करेक्ट 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 है ना तो ये तो नहीं बोल सकते कि साथ में ग्रो किया बट हाँ साथ में समझा चीजों सीखा हुँ। तो वो और मैं मतलब उस टाइम देखते थे हम बहुत वीडियोज देखते थे दर्शन दोषी के रंजीत बैरोट के हम्म तो बाद में पता लगा कि ही इज अ ड्रमर बट ही नोज टू ही नो वेरी वेल हाउ टू प्ले तबला ओ oh. समझ रहा

हां सारे तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इनफैक्ट अरिजीत सिंह लाइव पूरा जो शो होता है ना उनका भाई उनका इकलौता एक, एक आर्टिस्ट इंडिया का वो इंसान जिसका लाइव सेट इंटरनेशनल साउंड करता है डेफिनेटली कैसे करता Next है नेक्स्ट लेवल क्या वो म्यूजिशियंस हर म्यूजिशियन का अपना एक रोल होता है उसमें बट मेन उसके पीछे जो माइंडसेट है ना पूरा पूरा द आईडिया बिहाइंड एएसएल का भाई वो अरिजीत सिंह मतलब पूरा अरेंजमेंट करना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना कि गाने में क्या ग्रूव आएगा है ना क्या कॉर्ड्स आएंगे सिंथ आएगा सब कुछ छोटी छोटी चीज सब चीज है। चोटी चोटी चीज है छोटी छोटी तो ये चीज कितनी बढ़िया है यार क्या सीखने वाली चीज है कितना पता है बता इंस्पायर कर देना चीज है कि भाई करना ना कुछ ऐसा करो यार <laughs> गा बहुत लोग रहे हैं यार सही में यार लेकिन एक वाइब होना चाहिए ना आप स्टेज जब प्ले होता है तो लगता है कुछ बज रहा है यार

तो उसमे क्या लाइक वॉट इज करते हो आप वो डेफिनेटली था जो भी basically EDM dance थे क्या uh, क्या एक कोई कहे कहता रहे ठीक है तो उसमें वो बोले कि उसमें बेसिकली ज्यादा स्कोप नहीं था फिर भी मैंने कुछ किया कुछ किया तो वो मेरे को वो पार्ट बजा के दिखाया कि मैंने ये किया मैं बोला यार कुछ बता तो मेरे को याद नहीं है वो मेरे को देखना पड़ेगा वीडियो में भाई यार और एक और चीज मतलब ऐसा ऐसा सोचा है उन्होंने कि गिटार पार्ट में भी अगर वो मेरे को बोल रहे थे कि आ, पिछले सात दिनों में जो रिफ है सब क्या करते? G, A, और फिर वापस वो ठीक e ही ही है जब वो स्टूडियो में वो कंपोज कर रहे थे तब वो जी ए ही था ठीक है हाँ। बेस गिटार जी ए बजा रहा था और फिर ई माइनर कर रहा था और लॉय सर जो है वो भी की बोर्ड वही कर रहे थे एहसान सर वॉज लाइक मेरे को ये नहीं चाहिए hmm. तो वो बोले कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए लॉ सर इनमें झगड़ा हो रहा है hmm. कि नहीं क्यों नहीं चाहिए यही तो है यही तो बजेगा और क्या आएगा hmm. ये अडे रहे कि भाई मेरे को नहीं चाहिए उसमें एक अलग साउंड आएगा hmm. ये नहीं है hmm. तो फिर उसको उन्होंने किया जी टू कि पहले वो एक बेस फिर वो ये और फिर मैं बोला hmm. है यार बोला यार क्या है यार

Hmm. ना, अगर आपका केबीपीएस हो, होगा हाँ, हाँ, तो वो बेटर quality है, तो होगा तो मेरा क्या उस टाइम था भाई <laughs> <laughs> correct. तो क्या होता था, था कि अब टू जी इंटरनेट अभी तो फॉरेन डाउनलोड अभी तो पता ही नहीं, तो भी भी नहीं हाँ, हाँ, हाँ. मालूम ही नहीं भाई <laughs> <laughs> हाँ मतलब हम इतने बड़े नहीं है लेकिन समझ तो भाई गाना डाउनलोड करने के लिए अब पहले तो इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है ठीक mm. है ईटीए दिखा रहा है mm. डाउनलोड दाँड़, दाँड़, डाउनलोडिंग का <laughs> कि ये हो जाएगा आपका पंद्रह मिनट डाउनलोड <laughs> वो बता रहा है क्योंकि वो स्पीड भी फ्लैक्चुएट होती रहती है करेक्ट करेक्ट करे, करे, और वो पंद्रह कभी नहीं होता है तो <laughs> क्या हुआ एक तो शौक गंदा की तीन सौ बीस सुनेंगे गाना हाँ तीन सौ बीस नीचे नहीं सुनेंगे गाना सर तो

ये डेफिनेटली फर्क तो है यार है ना कि इतना इजीली अवेलेबल होने की वजह से मतलब या तो गाने डिस्कवर नहीं हो रहे और हो भी रहे तो मतलब उनकी वैल्यू नहीं होती देखो यार ये शायद हम लोग ना इतने बड़े <laughs> नहीं है इस बात को कहने के लिए कि म्यूजिक अच्छा हो गया फिर म्यूजिक खराब हो गया हुँ, पहले हुँ, तो बट एक चलो अभी मैं खुद को अगर आर्टिस्ट से अलग हट करके भी एक चीज अगर मैं देखू तो मैं एक इंसान तो हूँ एक लिसनर मैं भी हूं हो तो मैं जो फील पहले कर पाता था वो मैं आज करता हूँ बट इतना ऑफन नहीं कर पाता हूँ करेक्ट जैसे पहले क्या होता था कि भाई हर दूसरा गाना मजा क्रेजी है ना विशाल शेखर बैगोन शंकर खतरनाक प्रीतम क्रेजी सचिन जिगर नेक्स्ट लेवल सब लोग अमित त्रिवेदी मुझे याद है इश, 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 इशक जादे जब आई थी मूवी इश्क जादे नहीं इशक जादे इशक जादे हाँ भाई जो वो गाना ना जावेद अली का इशक टाइटल ट्रैक हाँ 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 ट्रम्पेट से स्टार्ट होता है वो गाना द तारा, 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 ना तारा भाई क्या मतलब <laughs> मेरे को याद एकदम मतलब बहुत है एकदम बहुत अच्छा टाइम था वो तो क्या है कि अभी जैसे हम बात सुन रही थी उतना मजा मेरे को नहीं आ हर गाने तो उसका जिस्म पता क्या है यार लिस्निंग बहुत इजी हो गई है या, हाँ वो तो है उसके वजह से क्या हो गया है कि ना और हर किसी के पहुंच में हो अब यार अगर आपके पास ये सोशल मीडियम नहीं है ना यूट्यूब है ना एप्पल म्यूजिक है ना प्रीमियम है तो अब इस, इस अब उस टाइम पे आपके पास वो पुश करने का भी आ, पावर नहीं है ना बिल्कुल अब तो पुश करने का पावर है तो जो आप पुश करोगे वही जनता सुनेगी एक और फैक्टर है हाँ। भाई एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेस थे मीडियम थे

मेरे को सोनू निगम जी की भी बात आ रही है मैंने वो उनका एक इंटरव्यू देखा वो बोल रहे हैं कि यार हमारे जमाने में हम लोग बोर इतने होते थे कि कुछ करने के लिए नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो हम लोग सोचते हैं ठीक है कुछ करने के लिए नहीं है चलो रियाज कर लेते हाँ सच बात है बिल्कुल सही बात है और आज अपन को कॉन्शियसली इन चीजों से हटना पड़ता है बिल्कुल यार बिल्कुल। खुद को कंट्रोल करके

आर्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर ज्यादा बनना है हाँ यार ये और ये बनना पड़ता है या, क्या यार आप एक बात सोचो मेरे को याद नहीं है कौन सा बाहर का एक आर्टिस्ट है uh, वो बेसिकली ऐसे ही म्यूजिशियन है और वो खुद के गाने बनाता है मेरे को याद नहीं आ रहा यार नाम ठीक है उसकी वाइफ जो है वो एक मार्केटिंग पोजिशन uh, या जॉब करती है ठीक है एंड वो बेसिकली मार्केटिंग हेड है ओके और उसका दिमाग भी वैसा है Hmm. तो उसने दिमाग लगाया कि नाउ यू कंपोज योर सॉन्ग्स मेक योर सॉन्ग्स और उसको मार्केट कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आई डू दैट आई टेक केयर ऑफ दैट तुम सिर्फ गाना बनाओ ठीक okay. है तो उसने क्या किया वो आई थिंक ऐसे फॉर्मेट में आता था कि आई मेड अ सॉन्ग विद माई मदर

मतलब आपको आपको ये तो आपको अच्छा तो तो डिफ़ॉल्ट है 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 अच्छा आर्टिस्ट रहना ही उसके उसके अलावा क्या उसके अलावा क्या 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 हुआ और और अब लेयर की बात है। लेकिन पता है क्या है? हो देखो एक और चीज़ है, जिस चीज़ जिस को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं थोड़ा हो, हो सकता है हम लोगों को बदलने क्योंकि देखो क्या हमारी ना

हम बिल्कुल नहीं कर रहे उसके हम वैसे नहीं हम हैं वैसे है, है, है। हम हैं हैं भाई हम 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 प्रैक्टिकल भी हम उस चीज को गलत भी बोल रहे हैं हम अगर वैसे है ना तो हम में भी शायद एक कमी है कि हम खुद को बदलना नहीं चाह रहे हैं इंट्रोस्पेक्टिंग वाला एक जो एंगल है कितने कितने मैंने देखे लोगों को आइडिया ही नहीं आइडिया ही नहीं बात है आइडिया ही नहीं है वो कि आप खुद को भी देख सकते हो बिल्कुल सही बात है लोगों को ये जो भाई बहुत ऊंचे मकाम पे है ना उनको समझ में आ चुकी है कि दुनिया से ऊपर नहीं है वो भी। समझ रहे हो गई पता है कुछ भी नया नहीं हो रहा है सब हो चुका है वो तो है यार वो तो है ये भ्रम है वो तो है हम कुछ नया कर रहे हैं। अरे भाई मैं एक कॉर्ड प्रोग्रेशन का वीडियो डाला हूँ हाँ। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आगे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिसका प्रोग्रेशन है उसको क्रेडिट तो दे दे <laughs> भाई प्रोग्रेशन कैसे किसी का होता exactly. है आर, oh. तो जी सी बजाते टाइम दो <laughs> तो अभी ना लेजेंड्स जितने भी ना उनको पता है कि यार, हम कुछ नया नहीं, नहीं कर रहे अब मेयर के बाद अगर की जाए मेयर मेरे को बंदा लगता है कि वो मतलब इतना ज्यादा हम्बल है ना बहुत बट

ऐसा हम लोग मैं ऐसा फील करता हूं और फिर मैं देखता हूं मतीश के साथ वो हां भाई कितना ज्यादा हम मिले वो बंदा यार ओ भाई और पता नहीं क्यों मेरे को जैसा अभी फिलहाल फिलहाल में कोई इतना मेलोडिक नहीं मेरे को नहीं लगता मुझे नहीं लगता मेरे को नहीं लगता कि अभी उसके लेवल पे कोई भी है नहीं म्यूजिकल कितना म्यूजिकल नेक्स्ट लेवल यार क्या प्लेइंग है मतलब वगैरह बहुत लोग कर रहे हैं हा, हा, correct, correct. <laughs> लेकिन ना सुकून कुछ यार है। और ये ऐसा क्वालिटी है ऐसा प्लेइंग स्टाइल डेवलप किया है कि अगर आपको पता नहीं है में चला दे speaker पे, यू विल फाइंड आउट की इट दिम एक्टली यूनिक प्लेइंग उसने खुद का एक स्टाइल बना लिया रेकेबल यार। यार, सही है, सही है। नेक्स्ट लेवल बहुत कम लोग है नेक्स्ट लेवल प्लेंग कैसे साउंड करता है हाँ। मेरे का भी गिटार बोलता है हाँ हाँ हा, बिल्कुल वो भी मतलब गा रहा होता है वो बिल्कुल।, बिल्कुल क्योंकि ब्लूज में क्या है ना शायद ऐसा अगर मैं गलत नहीं हो तो जहां तक मेरे को पता है में आप गा रहे होते हो जब उसके बाद आपका गिटारी आपके उसको फॉलो अपॉलो करता है।, करता है ऐसा एक चीज है उसका कोड भी बहुत सारे को बहुत सही लगता है क्योंकि उसमें एक कोड था मैंने देखा था

यार उनकी कुछ बातों की लर्निंग आज तक काम आ रही है यार वो हमेशा एक बात बोलते थे के अगर सीखना है अगर कुछ है ना तो पहले अपने कान को तैयार करो हम्म है ना अगर कुछ सीखना है तो वह सुनना सीखो सुनना सीखो करेक्ट अगर सुनना सीख जाओगे ना तो काफी कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल ओ भाई सुनना सीखना ही बहुत मुश्किल काम है मैं बोल रहा हूँ अगर आपको बोल रहे हो किसी को सोलो सीखना है तो आप बोलोगे उसको कि

तो बेसिकली मैं रह चुका हूं इनका फैन उसके पहले जब जिसके पहले ये मेरे को जानते हो तो मेरे को आई थिंक मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपका पहला वीडियो देखा था मैंने पता है कौन सा कौन सा वही भी, ना भीगी सी भागी भाई मैं बोला यार ये क्या है यार ये क्या है लाइक like, मतलब वीडियो जैसा लग रहा था ना

जैसे आपका क्या था देखो तो बहुत लोग हैं जो गिटार प्ले कर रहे हैं बट बहुत कम लोग हैं जो सलीके से प्ले कर रहे हैं <laughs> समझ रहे हो मेन चीज क्या होता है लोग स्ट्रीमिंग में सब बात हाँ। की चीज है कौन कौन सही बजा रहा है हाँ, कोई कॉर्ड्स कौन से प्ले कर रहा है कॉर्ड्स है नहीं कोई को, 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 कोई सही प्ले नहीं बताता पता है तो मैंने कहा यार मैं और मेरा भाई अपुनित ओके okay. तो मैं ना पहले आपको

मैं पिछली साल आई थिंक 23 और ना 22 में आया था जून में मुंबई यहाँ शिफ्ट होके यहाँ के मेरे पहले दोस्त हैं सबसे पहले आप मेरे को याद है सबसे पहले शख्स थे जिनको मैं मुंबई में मिलने गया हूँ हाँ वो आके मेरे को हुआ था शायद मैक्सिमम एक महीना हुआ एक महीना हुआ मैक्स तो उसके बाद मैं पहले किसी के घर गया तो वो आप ही थे और एक और चीज़ मैं सब लोगों को बता देता हूँ कि मेरा एक बचपन से हमेशा से जब से मैंने

मेरे को अच्छा ना, मेरे को जब मैं मैं लिया था ना मैं बोला ठीक है काम का गिटार गिटार तो तो आ गया अपने पास, और अच्छा तो है बट, आ, एक दो चीज़ देखो मैंने मैंने उस गिटार के बारे में भी ये नोटिस की एक दो चीज उसके बेटर हो सकती थी फॉर एग्जाम्पल उसके ट्यूनिंग कीज़ कीज़ ट्यूनिंग कीज दिखने में मेरे को अच्छे लगते हैं है

डिबेट तो था एक इलेक्ट्रिक और अकोस्टिक में Electric कि इलेक्ट्रिक ले, ले लिया जाए या अकोस्टिक लिया जाए hmm. लेकिन यार एक चीज तो मैं डेफिनेटली मैं बताऊंगा आज hmm. लोग इलेक्ट्रिक इकट्ठा करते हैं hmm. मेरे को लगता है उल्टा होना चाहिए भाई इलेक्ट्रिक लेके करोगे क्या मेरे को एक बात बताओ मेरा स्क्वायर अफिनिटी का बेसिक सा गिटार है फेंड, फेंडर स्क्वायर का ठीक है यार न्यूरल डीएसपी में कैसे कैसे टोन आ रहे हैं यार

हटाना मत इसको हाँ हाँ ये चलेगा ये चलेगा डेफिनेटली चलेगा ये ये भी मत हटाना के हटाना मत <laughs> <laughs> क्या बात कर रहे थे क्या बात कर रहे थे हम खैर हम जो भी बात कर रहे थे वो तो ठीक है ए एक टाइम आएगा शायद आपको हम लोगों की बातें सुन के लिए लग सकता है कि हैं कौन और इतनी बड़ी बड़ी बातें है करके हो रहे सही बात है हम कुछ भी नहीं शायद और शायद, <laughs> <नहीं। laughs> शायद हमको इतनी बड़ी बातें करनी भी नहीं चाहिए <laughs> नहीं बिल्कुल सच फैक्ट है हम कुछ, तो तो कुछ भी नहीं है तो अगर आपको कहीं कभी भी ये फील होता है कि हमारे में वो कर रहे हैं सिर्फ बातें कर रहे हैं कुछ नहीं क्या बात कर रहे थे याद मैं मेरे को तो देखो भूलने की परेशानी मेरे को नहीं याद है नाह कुछ तो यहाँ वो क्रिकेट का साउंड डाल दूंगा मैं बेस्ट 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 कमाल 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 अच्छा लेकिन ठीक है एक बात करते हैं हम अपन जो बात कर रहे थे ना कि अच्छा हम गिटार की बात कर रहे थे हाँ, टेलर की ट्यूनिंग हेड्स हाँ, हाँ, की बात कर हाँ, रहे थे शायद टेलर की ट्यूनिंग है नहीं, उससे आगे आगे उसके आगे ये बोल रहा था कि अब मेरे को डर लगता है कितना अच्छा लगता है ये गिटार हां हां तो वो सीन है लेकिन हां अभी भाई लेकिन सर के जब घर गया ना भाई टेलर ट्राई किया मेस्ट्रो भाई, भाई तो, के जीएसट्रो गिटारा इसमें क्योंकि ना एक सुनील शिंदे करके हैं अरे मैं उनके बारे में जाके बात किया मैं बोला कि यार अब मैं मार्टिन लेके आ गया वहाँ यार कुछ करना पड़े तो मैं किसके पास लेके एक ही बंदा यही जाओ सीधा तो सुनील शिंदे शुन, उनके गिटार्स के पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पे जब भी सर्विसिंग के लिए आता है और बहुत रेगुलर भेजते हैं है कि एक वो गिटार बाहर से लेके आए फैक्ट्री सेटअप ठीक है और वो बोले कि इस गिटार में ऐसा था जो भी ट्रस रॉड होता है ना ट्रस रॉड जहां बॉडी में मीट करता है उसमें और ट्रस रॉड के बीच में एक गैप होना चाहिए अगर वो गैप नहीं है तो वो बेंड नहीं होगा ढंग से ओके। ठीक है तो इसमें क्या था कि वो गैप नहीं था तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा हाई था एक्शन जो भी है तो इन्होंने दिया भाई साहब ट्रस रॉड को निकाला है और वहां स्पेस क्रिएट किया है वापस डाला है ट्रस रॉड को फ्रेड वेट वगैरह वापस डाला है उससे भी बेटर साउंड कर रहा है क्या बात कर रहा है

तो तो मेन में में बजा रहा हूं, तो बीच में वो कुछ दूसरे लगा रहे हैं मैं 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 बोला यार इतना 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 डीप ज्ञान है है इन को को कि गिटार को भी भी वर्सेटाइल <coughs> कैसे कैसे करने? <coughs> करने? मैं, मैं क्या फील करता हूं अभी तक जो सुने <coughs> ना जितने भी गिटारिस्ट बॉलीवुड में और एहसान सर कोर्स

मेरा यार जावेद बशीर जी का पूरा क्लासिकल सिंग लेकिन हाँ? वो गिटार वो का वो रिफ ब्लूज वाला है पूरा खतरनाक है यार खतरनाक लोग अभी ना इतना आ, इसको क्या बोलते हैं कंटेम्प्रेरी काम सुनने को नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है हाँ वो है, यार अच्छा वैसे जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सब कुछ आज कितना इजीली एक्सेसिबल है हाँ। है ना तो आज वो पहले जैसे फील नहीं आ रही है करेक्ट

स्प्लाइस एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे मिलियंस ऑफ साउंड्स हैं जो जो पूरी दुनिया भर प्रोड्यूसर्स ने उसमें हैं। डाले हुए कि रॉयल्टी फ्री है जो आप यूज कर सकते हो अगर आप प्रोड्यूसर हो तो पर वो ऑलरेडी चीज बन चुकी है बन चुके हैं हाँ। तो स्प्लाइस को भी ना यूज करने के तरीके होते हैं बहुत अलग अलग जैसे क्या होता है स्प्लाइस ना आप ग्रूव के लिए यूज कर सकते हो सकता है आपको स्प्लाइस से आपको एक सर्टेन

सेम क्योंकि गाना जब बनाते हैं हम अभी हिप हॉप से बात चल रही है तो स्प्लाइस से मैं अगर कोई गाना चलो जिस तरीके का जॉनर मैं प्ले करता हूँ जिस तरीके के गाने मैं बनाता हूँ जिस तरीके के गाने में कम्पोज के गाता हूँ उस गाने में से ग्रुफ तो होता नहीं है है ना गिटार लाइन है उसमें है ना स्ट्रिंग सेक्शन है पूरा एक सेक्शन है है ना हो सकता है बिग ड्रम सेक्शन भी हो है ना

यार और ये वापस वही बात में आ जाता है कि आप लाइक खुद को सिंगर नहीं बोल पाते हैं बिकॉज आप सिंगर हो लेकिन आप सिंगिंग को अगर आप सॉफ्टवेयर अच्छे से जानते हो अगर बहुत अच्छे से जानते हो तो फिर आप अपनी सिंगिंग को भी कहीं कहीं से कहीं लेके जा सकते हो बिल्कुल सही बात है और साला कितना मतलब आज के दिन में तो प्री रिक्वेस्टेड है कि आपको मिनिमम मिनिमम दो तीन चीज आनी चाहिए बिल्कुल आनी चाहिए <laughs> मैं शायद एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ मैं शायद इतना अच्छा सिंगर नहीं हूं बट hmm. मैं लोगों तक क्यों पहुंच पाया क्योंकि मेरे को सिंगिंग के अराउंड चीज थोड़ा सा समझ आती थी मैं करना चाहता था मैं रिकॉर्ड करना जानता था खुद को hmm. hmm. मैं ट्रैक थोड़ा सा बनाना जानता था hmm. अगर मैं शायद वो नहीं जानता तो मैं थोड़ा लोगों तक पहुंच नहीं पाता करेक्ट hmm. क्योंकि अभी मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है मेरे को खुद को साउंड कैसा करवाना है मैं कर सकता हूँ वो चीज तो आना बहुत जरूरी है करेक्ट 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 लेकिन आपका प्रोडक्शन का बेसिकली एक चीज मैंने देखा है कि जैसे आप प्रोड्यूस करते हो ना अपने कवर्स को भी hmm. मैंने देखा है इतना यूनिक है वो hmm. कि आई एम नॉट सीन एनी वन एल्स ट्राई टू बी दैट यूनिक अपने साउंड में या अपने आउटपुट में तो प्रोडक्शन का जर्नी कैसा था एंड हाउ डू यू नो दीज सो प्रोडक्शन पहले तो रीजन बताता हूँ कि मेरा क्या रीजन रहता है, है कि मैं कवर को वैसा प्रोड्यूस करता हूँ जैसा हुँ, हुँ, हुँ. अभी तक कुछ लोगों ने सुना जितने भी लोगों ने सुना तो प्रोडक्शन का रीजन ये है कि देखो यार पहले तो आप ऑलरेडी एक गाना ऑलरेडी जो हो चुका है हुँ, हुँ, हुँ. उसको आप दोबारा गा रहे हो करेक्ट तो देर आर वेरी मच चांसेस कि आप पे वो कवर सिंगर वाला ठप्पा तुरंत तैयार लगने वो अगर आपको उस आइडेंटिटी में नहीं आना है तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो काम करते हुए थोड़ा सा तो आप वो आपको ऐसे कर कर सकते हो कि आपका गाना आप कवर ही कर रहे हो बट वो फिर भी अलग साउंड करे हुँ. क्या अलग साउंड कर रहा है करेक्ट तो उसका तरीका एक यही है कि आप उसको अरेंज करो अरेंजमेंट थोड़ा आसान हो जाता है कवर का और हुँ. क्यों हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो आपने गाना इतना सुना हुआ है है आप में रंग चुका है वो करेक्ट करेक्ट समझ गया क्योंकि नया स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है hmm. हालांकि कवर के लिए भी अगर आप कुछ अगर आप सोलो बना रहे हो कुछ वो भी एक नई चीज है hmm. तो मेरा यही था प्रोडक्शन से ज्यादा इंटरेस्ट था पहले कंप्यूटर में मतलब क्योंकि प्रोडक्शन वो तो कंप्यूटर से हो है तो मुझे याद है जब लैपटॉप को बंद करो ना ओ Hmm. इसको <laughs> 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 आ, तो आ, <laughs> तो क्या हुआ हुआ कि प्रोडक्शन स्टार्ट ऐसे हुआ, मेरे को हारमोनियम से मेरी शुरुआत हुई मैंने हारमोनियम hmm. था मेरे को मिल गया था hmm. तो हारमोनियम मिल गया तो बजाना शुरू किया hmm. खुद से बहुत छोटी उम्र में तो थोड़ा बहुत आ गया उसके बाद मेरे घर पे आ, मेरे फादर का साउंड का होता है न, वो सब तो मैं बचपन से घर पे देख ही रहा था सब कुछ माइक्रोफोन्स देख रहा एम्पलीफायर्स देख रहा हूं मिक्सर देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो एक दिख रहा था उसके अलावा मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मोबाइल मतलब बचपन से होता है ना फोन्स को अरे यार बहुत छोटी एज में जब इंटरनेट नहीं जीपीआर हुआ करता था सेटिंग्स में मवाने पड़ते थे फोन में करकर तब करकर चलता था इंटरनेट हाँ। और फिर गलती से चला दिया तो भाई साहब ओहो <laughs> बिल आ रहा है क्योंकि तो पोस्ट पोस्टपेड हुआ करता था ओ भाई और फिर भाई पिटाई हो रही है ओहो तो वो सब चीजें तो उसके बाद जैसे थोड़े बड़े हो गए तो बहुत छोटी एज में ना साइबर कैफे जाना शुरू कर दिया <laughs> वहां जाते हैं जिंदगी बर्बाद है भाई मैंने कहा ये क्या है? <laughs> क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर नहीं देते लोग को पता नहीं हो लोगों <laughs> <laughs> ने 98 विंडो देखी नहीं होगी मतलब हमारे स्कूल में ना हमारे स्कूल में होते थे बहुत पुराने पुराने कंप्यूटर्स होते जिसमें हॉरिजॉन्टल मतलब सीपीयू वैसा रखा था डेटा हाँ, 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 डेटा उसके ऊपर आपका हाँ, मॉनिटर वो भी <laughs> <laughs> तो हाथी हाँ, वैसा <laughs> तो वो हुआ करता मैंने और माउस भी कौन सा होता था हुँ. माउस जिसमें बताओ कौन सा माउस बॉल वाला बॉल वाला ऑप्टिकल हाँ. माउस नहीं हाँ, बॉल वाला बॉल वाला करेक्ट करेक्ट तो वो माउस हुआ करता था तो कैफे जाना शुरू किया बाय इंटरनेट विंडोज एक्सपी पे हाँ, मतलब मैं जब इंटरनेट पे आया कैफ़े में में तब वो एकस्पी एकस्पी, हाँ, 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 में स्कूल में मेरे था वो, वो था, था, उसमें सब देखा तो भाई इंटरनेट देखा तो जबैक डॉट कॉम हुआ करता था अरे यार अरे हाँ। यार मीटर मीटर डाउन करके एक गेम हुआ करता था यार, यार बहुत पुरानी बात है आपने यार ये तो एक कोर मेमोरी अनलॉक हो गई है ये बहुत पुरानी बात है मतलब आराम से पंद्रह सत्रह साल हो चुके होंगे इस पास हाँ 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 बहुत वक्त होता मतलब विनाम प्लेयर होता था हाँ आज भी

हाँ तो कैफे गए तो यहाँ पे इंटरनेट समझ में आ रहा था कंप्यूटर पूरा समझ में आ रहा हाँ था बहुत हाँ। मतलब दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि मतलब जो उस एज के लोगों में इतनी नहीं होती थी जब मैं हुँ, मतलब सात आठ साल का था मैं इतनी एज थी मेरी ज्यादा नहीं कहा भाई उसी टाइम एक और चीज शुरू हुई प्लेस्टेशन वन ओह बर्बाद हो गया वो क्या वो मीम मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझसे मुझ प्यार मत करो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी आ, मैं, मैं, मैं बर्बाद, बर्बाद होना, होना है। चाहता हूँ <laughs> <laughs> हो। क्या, क्या <coughs> बहुत महंगा भी आता था उस टाइम जो वो अमाउंट हुआ करता था हमारी इतनी मतलब वो बहुत ही महंगा बिल्कुल हाँ सबके लिए यार करेक्ट करेक्ट उस टाइम आज से पंद्रह सत्रह साल पहले जाओ तो तो प्लेस्टेशन वन मैं जहाँ रहता था उस गली में एक फ्रेंड रहता था मेरा उसके पास वो घर पे था लेकिन वो इतना नहीं करता था कि वो नहीं था भाई ये बहुत पुराना गेम है हाँ. और अगर देखोगे तो तुमको याद आ जाएगा हाँ. अच्छा गेम था मेटल तो क्या हुआ गेम जोन खुलना शुरू हो गए थे और उन गेम जो में क्या होता था प्ले स्टेशन वन स्टेशन टू आ गया था वन में क्या One में सिर्फ टेकन थ्री. ठीक है। वो उन्होंने पूरा अपना मशीन बना लिया था आ... कौन सा वाला? आ, वो बटन वाला।, समझ, वाला. समझ गया समझ समझ गया गया। तो उसमें एक रुपए में दे करके आपको आठ या फिर सोलह पॉइंट मिलते थे करेक, करेक, समझ गया. उससे आप खेलते थे अगर याद हो पॉल वगैरह तो भाई वहाँ गेम जोन में शुरू हो गए उसके बाद थोड़ा सा पॉकेट मनी बढ़ गई तो हमने प्ले स्टेशन टू खेलना शुरू कर दिया और खेलते कहते थे घर पे झूठ बोल के आते थे बहुत छोटी एज में और पापा आ रहे हैं मतलब घर पे काम से वापस वो कह रहे हैं मैं किधर हूँ मैं तो हूँ नहीं घर पे अब मेरी मम्मी कह रही वहाँ गया हुआ और भाई मैं खेल रहा हूँ वहाँ पे गेम <laughs> भाई पे अलग गेम चलने वाले। <laughs> संगत ना बिगड़ जाएगी सब चीजें ना हो जाए क्योंकि डर तो लगता ही है ना लेकिन यार क्या क्या, क्या क्यूरियस था मैं उस टाइम में उस चीज को लेकर मैं मतलब अभी नहीं हाँ हूँ शायद मैं इतना क्यूरियस लेकिन उससे पता होती है उस टाइम में वो क्या हेल्प हुआ PlayStation ने में, मैंने uh, खेलना शुरू किया पे. God of War होता था. था हाँ हाँ 3. ये हाँ 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 हाँ। ये सब ला रहा, हाँ हाँ हाँ। है ना? बिल्कुल. सारे नहीं ज़्यादा यहाँ पॉपुलर नहीं था हाँ, पॉपुलर नहीं था मतलब गेम जोन में नहीं था नहीं होता. हुआ करता था. एक हुआ करता था कार रेसिंग गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है

तो मेरा मेरा पहला सॉफ्टवेयर उसके बाद ना मेरे को अच्छे से याद है मैंने पहला डी डाला था एफ एल स्टूडियो अच्छा और एफ एल स्टूडियो डाला था एफ एल स्टूडियो डालने के बाद क्योंकि स्टूडियो में सब कुछ ही होता है ही ही ही। आपको थर्ड पार्टी आप कर सकते हो लेकिन उसमें सब कुछ रहता है ही ही ही। मुझे वर्जन याद नहीं है उसका एफ एल स्टूडियो का लेकिन एफ एल स्टूडियो डालने के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि क्लिक क्या होता है मेट्रोनम क्या होता है होली का दिन था होली खेलता नहीं था मैं मैंने पूरा दिन में बैठ करके एम्प्टीनेस गाना आया था हाँ करेक्ट उसमें एक नैलोन स्ट्रिंग गिटार हुआ करता था उसके, के। तो भाई बेस ड्रम पैटर्न हाँ. वाला गिटार, भी नहीं है।, कैसे काम करता है अगर आपके पास मिडी नहीं है ना तो आपका जो कंप्यूटर का की होता है ना हाँ, उससे बना बना के चीजें मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया था और मैंने कुछ बनाया था एम्टीनेस का एमटीएस कब आया था अब लगा लो हाँ। काफी टाइम हाँ। हो, हाँ। हो गया काफी टाइम तो तब वो पहला दिन था जब मैंने मतलब तभी की बात है हम्म हम्म तब से भाई ये सब शुरू हुआ लेकिन अच्छे से प्रोडक्शन करना शुरू ना जब थोड़ा सा समझ में आया तो वो आया है 2017 18 से समझ गया क्योंकि ना कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं था कि सारी सारा इतना लोड ले पाए हम्म हम्म गैस भी बहुत लेटली मेरे को मिलना शुरू हुए थे आज के दिन में अब आपको एक्चुअली प्रोडक्शन के बारे में मालूम है राइट तो यू प्रोड्यूस एज वेल तो आज के दिन में कौन ऐसे दिमाग में आते हैं कि यार ये प्रोड्यूसर बहुत अलग चीज कर रहा है यार मतलब आप इंस्पायर होते हैं उनसे और लाइक यू थिंक यू देर डूइंग क्वालिटी वर्क यार मैं वक्त के साथ साथ वाले बताता हूँ जैसे, जैसे में में। तो जब मैं अलीगढ़ में था

लेकिन बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि उस दौर में क्रेडिट्स नहीं आते थे हुँ, हुँ, हुँ. आज हर किसी को क्रेडिट मिलता है जो कि बहुत जरूरी चीज़ करेक्ट। बट जिन गानों से आप लोगों का बचपन बीता है ना हुँ. उन गानों के पीछे एक बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है प्रीतम नाथियसली गाने उनके लेकिन ध्रुवो था विजय फुकान नाम है उनका ओ ओके मेरे को उनको पूरा नाम नहीं पता था यार भाई उन्होंने गाने बहुत सही किए हैं। भाई क्या आइकॉनिक सॉन्ग सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स भाई सारे आइकॉनिक जैसे अब कोई गाना उठाओ पुराना नाम लो प्रीतम का कुछ भी नाम लो कोई गैंगस्टर द्रोदा <laughs> सोचो मतलब याली में जो तबले का पैटर्न आता है ना फक हाँ। भाई क्या नेक्स्ट दा 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 और सुन है ना तू ध्रुवोदा ओ गलियां गलिया ध्रुवोदा इनफैक्ट कलंक वगैरह तक सनियमार वगैरह भी है हाँ नहीं अभी भी तो काम करते ही हैं साथ में अभी भी कर रहे हैं वो हाँ करेक्ट और पुराने की अगर बात की जाए तू ही हकीकत मेरे बिना ओ ध्रुवोदा क्या एल्बम्स है यार वो क्या एल्बम्स है ना क्या गाने भाई क्या गाने यार आइकॉनिक सॉन्ग्स तो वो सारे ध्रुवोदा के गए हैं और मैं जब मैं मैं उनसे मिल चुका हूँ

लेकिन अगर वो कभी देखेंगे ये तो हम हाँ 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 लोग फैन है यार बिल्कुल यार आज के टाइम में जो मेरे को बहुत पसंद है ना कुछ प्रोड्यूसर हाँ। यार एक है हिमांशु परिक बहुत सही भाई बहुत, बहुत ही बहुत ही सही। बहुत कमाल है मैंने उनका एक सेशन देखा था जिसमें वो केसरिया को ब्रेक डाउन रहे थे अच्छा ब्रेक डाउन किया गया बहुत सही था ओके बहुत ही सही और और है

यार मैं परवाना यार वो गाना है क्या हाँ क्या है यार है वो है ना ना? क्या मतलब ऐसा नया साउंड किया करवाया कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो पहले गा रहे है। क्या फ्रेश गाना था मजा वो, है ना? मतलब बहुत है गाना वो. एक और गाना पता है एक गाना है रहमान साहब का मेरा आसमान अच्छा वो गाना है शायद की मूवी फिर कुछ उसमें मेरा आसमान गाना है और उसके दो वर्जन है एक अरिजीत सिंह वाला वर्जन है एक है खदीजा रहमान का वर्जन ओके okay, हाँ लेकिन जो दूसरा फीमेल वर्जन जो है ना भाई दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन फीमेल वर्जन का कुछ एक अलग डिवाइन कनेक्शन है भाई कुछ अलग है बहुत कमाल है नेक्स्ट लेवल अगर आप बताओ कि फाइव फेवरेट टॉप फाइव फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ फे एयर रहमान मेरे को जो बहुत पसंद है टॉप फाइव ऑफ एयर रहमान

अच्छा तो ओके ओके सॉरी बहुत प्यारा गाना है सॉरी मैं तुमको वापस दे और तीसरा गाना है क्योंकि सोचना पड़ रहा है अभी <laughs> क्योंकि कुछ भी नहीं बोल सकते हो मैं भी सोच रहा हूँ। तीसरा गाना मेरे को ना ए हरते आशिक की बहुत पसंद है भाई वो तो अलग ही लेवल का गाना है अभी रिसेंट टाइम में यार मेरे को लगता है कि एक गाना तू चले उनका

नहीं 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 यार <laughs> और एक और चीज बताए क्या इसलिए थोड़ा सा मिस करता हूँ पुराने टाइम मतलब लाइक वो एक्चुअली आई थिंक मेलेडीज बहुत ही एवरग्रीन थे बहुत ज्यादा <laughs> एक गाना है अगर आपने सुना हो विशाल शेखर का यू में भी अलादिन oh. मूवी का अच्छा भाई ये सुना नहीं है यार मेरा क्या गाना है भाई बहुत अच्छा गाना है

उसके लिए भी अगर बात की जाए तो मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एक इंसान का शफा का नमाजा अली का बहुत बहुत, बहुत ही खूबसूरत सिंगर क्योंकि भाई मैंने जब ना मैं ना सुन रहा था पुराने गाने गजले वही सब कुछ मैं मेरे लिए इंडी पॉप की जो शुरुआत हुई है ना वो सिल्क्रूट वगैरह से नहीं हुई है ना कहके हुई है

तीसरा गाना रोही चौथा गाना उनका है नैना ओके okay. है ना और एक है दिल धड़कने का सबब याद आया एक है उनका मधुबंती भाई ऐसे गाने एक है पहाड़ी काकाजा <laughs> पिया के देश हा, उसका हा, मैंने कवर हा, भी किया था भाई वो क्या गाने हैं बहुत से मतलब है। तब मैंने मैंने कहा ये क्या है भाई उस टाइम वो काफी एक्टिव भी थे मिथवा आया था दिलदारा ये सारे गाने आए तेरे, तेरे था। 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 था था तो मैं... और वो भी उन लोग उनका आवाज भी मतलब इतना सुरीला था तो, तो सुरीला, सुरीला तो था ही लेकिन उसके ऊपर से एक ऐसी क्वालिटी है कि आप सुन के बोल सकते हो यार ये तो वो एक चीज होती है बता कुछ लोग सिंगर होते लेकिन जब गाते हैं तो उनका आवाज निकल के आता है बट कुछ लोग होते हैं जिनका ना भाई बोलने में भी आवाज बहुत मीठा होता है। शफकत है बात करने में भी। तो वो चीज है यार वो भी बात है। क्या मजा आया जिन बातों को करने में आप बताएं आपके क्या प्लान्स हैं आगे क्या आप नया लेके आने वाले हैं लोगों के लिए अरे यार नया तो यही है बस अभी जो हो रहा यही नया है ये बहुत अच्छी बात है आ? नया कुछ नहीं होता जो अभी है वो नया है वही तो बेस्ट तो। ये लेकिन आप देखो ना वो बोलते हैं ना कि एडवर्सिटी इज द क्या मेरे को समझ में वो याद भी नहीं आ रहा वो क्या है नहीं ऐसा कुछ एक कोट है जिसमें बेसिकली बोलते क्रिएटिविटी मतलब तो, कि जब आप कोई मुश्किल में होते हो ना तभी आपको आइडिया आता है तभी आपको कुछ मतलब समझ में आता है कि अच्छा ये किया जा सकता है क्योंकि आप डिस डिसीजन लेते हो ना हाँ डिसीजन लेते हो और उसको उस एडवर्सिटी से निकलने का सोचते हो कि कैसे निकलें करेक्ट राइट तो मेरा हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है पिछले आई वुड से स्पेशली फॉर द पास्ट सिक्स मंथ्स मैंने कॉन्शियसली ये सोचा है कि मैं अब अपना टाइम सिर्फ ऐसे लोगों के साथ बिताऊंगा जहाँ या तो मुझे कुछ सीखने को मिले और मैं बेटर हूँ मतलब उनके आस पास रह के मैं बेटर बिल्कुल सही बात है और ये कितनी मतलब मेरे तो है। है like तो, तो अपन, अपनी तो चलो बात ही अलग है कि हम लोग म्यूजिक की वजह से मिले लेकिन अब म्यूजिक के अलावा भी हम मिल सकते हैं सही बात है हमारी दोस्ती ऐसी बढ़ गई है हम लोग कोई भी रीजन के लिए मिल सकते हैं करेक्ट करेक्ट तो मैंने बोला कि ये तो है कि ये होना ही और हाँ। <laughs> अच्छा, सेक्शन ऐसा आता है कि आपको ये बहुत ही आ, मतलब ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है हाँ, हाँ, कुछ हाँ, भी प्लान नहीं है हाँ. अभी मेरे दिमाग में बोल दिया हाँ. आजकल हर पॉडकास्ट का एक ऐसा आता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी की की बात की जाती है।, अच्छा? है ना? तो करते ना तो हम इतने बड़े <laughs> स्पिरिचुअलिटी की बात करें <laughs> दूसरा एक और चीज है ना नहीं लेकिन जब दोस्त एक साथ इकट्ठे होते हैं तो यही बातें होती है हाँ तो एक बात होगी बातें होती है बात ये होगी कि स्पिरिचुअलिटी को आजकल ना स्पिरिचुअलिटी एक धंधा बन, बन गया। <laughs> अब होगी ये बात <laughs> दोस्तों, अब होगी धंधा कैसे खैर किसी के भी मन आगत ना हो लेकिन कंटेंट चलता है हुँ, तो कंटेंट का एक जरिया बन गया है स्परिचुअलिटी और जबकि मुझे क्या लगता है कि ये बहुत पर्सनल एक सब्जेक्टिव चीज है हुँ. बहुत ज्यादा जो और एक और चीज है इसका कोई ये तरीका भी नहीं है कि ये गिलास अगर कॉफी के लिए बनाया ये मग तो इसमें सिर्फ कॉफी कॉफी ही पियोगे करेक्ट <laughs> ऐसा नहीं है स्पेशलिटी का हो hmm. सकता है वो आपके लिए किसी और तरीके से काम कर रहे हो मेरे, <laughs> मेरे <laughs> <लिए> किसी <laughs> और <laughs> तरीके से काम कर रहे हो लेकिन हाँ ये जरूरी है कि सच्चाई यार पता क्या है ये बात मैं कहना चाहता नहीं था स्परिचुअलिटी के बारे में सीन क्या है कि अपने हाथ में बट करेंगे नहीं एडिट हम कोई ज्ञानी नहीं है हाँ। पर आज का हम लोग हम एक ऑडियंस में हम हम भी ऑडियंस हैं तो हम लोग भी चीजों को सुनते हैं तो आजकल सुनकर ये लगता है कि बहुत ज्यादा ना किसी चीज को थोपा जा रहा है लोगों पर है ना कुछ आइडियाज है, हैं कुछ थॉट्स हैं बेसिकली जो चीज जो प्योरिटी से होती है हाँ। उसके अलावा अब वो ट्रेंड हो गई है एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल हो सकता है कि वो रास्ता इतना आसान भी ना हो आपके लिए पहुंचने के लिए लेकिन अब सबको बताओ हर किसी के लिए जरूरी भी ना हो वो हम्म समझ रहे हो अवेकनिंग ना जरूरी है हुँ. मैं मानता हूं बट वहां तक पहुंचना हर किसी का बस की बात नहीं है भाई हाँ बिल्कुल वो भिल्कुल. इतना आसान नहीं है बिल्कुल अवेकनिंग अगर ऐसा ही होता तो शायद हर कोई बुद्ध और महावीर बिकॉज आपको अगर अवेकनिंग चाहिए तो आपको ओपन भी तो होना पड़ेगा ना माइंड से हाँ एग्जैक्टली exactly. आप सुनना आपको भाई मैं आपकी बात सुनना चाहता नहीं हूं हाँ तो क्या होगा मैं और एक तरफ मैं पॉडकास्ट में देख रहा हूँ क्या, क्या अरे पहले मैं आपको सुनना हाँ। हाँ। मैं तो शुरू करूं आप बात क्या कर रहे हो मैं कह रहा हूँ ये तो मतलब इसके बारे में तो मतलब हम लोग घंटों घंटों तक बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे कई लोगों को जानते हैं और मैं तो कहता हूँ नाइनटी सब ऐसे लोग हैं अगर आप एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हो तो उनका गोल ये होता है कि ये मेरे से कुछ बोल रहे हैं मैं इनको रिप्लाई कैसे करूँ

तो मैं किसी भी टॉपिक पे बात करना पसंद तो करता हूँ भले वो कुछ भी हो अब मैं कोशिश करता हूँ को लेकिन मैं टाइम मैं में एक और चीज सुन कि भाई शांत होना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल एंड वो कॉन्वर्जेशन जो आपको करनी है बात किससे करनी है exactly, वो सबसे exactly, आप कहां कर रहे, हो, कहां कर रहे हो तो मैं ना ये कितनी सही बात है कि अगर आप इफ यू आर फुल देन यू आर दू आर फुल सही बात है तो मेरा ट्राई अभी मैं यही कर रहा हूँ कि और कैसे काम हो यार इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ शुरू शुरू में जब यूट्यूब में कमेंट आते थे मेरे को हाँ हम लोग तो फिर ये, बहुत काम ये, ये एक चीज़ हमको बात करनी चाहिए कि आप ट्रोल से कैसे डील करते हैं एंड वो ओवर द टाइम कैसे चेंज हुआ देखो बताता हूँ क्या होता है पहले बहुत फर्क पड़ता था मेरे साथ जब मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी में जब स्टार्ट किया था यूट्यूब क्योंकि मैं तो बड़ा मेहनत करके डालना भाई कोई आकर कह रहा है तू कितना रहा है अरे ये अब मैं उस पर ज्यादा दूंगा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी अब भी काफी बड़े बड़े सिंगर ऑलरेडी सब डिकोड करने के वॉट एक्चुअली ऑडियोट्यून इज है ना तो मेरा जरूरी नहीं इस पे ज्ञान देना और क्यों नहीं ज्ञान यार

गाने की ऐसा सी मारती भाई मैं मैं कमेंट करता था बिल्कुल मैं रिप्लाई करता था भाई सेम सेम बैठ के रिप्लाई करता था हां हां <laughs> <आँ। laughs> और उस दिन लगता था कि आज किसी को सिखा आ, दिया मैंने हां 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 हा, हा। फिर बाद में मेरे को पता है रियलाइज हुआ भाई बहुत बढ़िया दुनिया है हां भाई समझ में क्या आया कि अगर हम लोग ना

लोग करेंगे इसमें भी बिल्कुल तो हम ना भाई पहले तो बिल्कुल भी सेंसेटिव नहीं बच्चे आज का दौर जमाना बिल्कुल सेंसेटिव का नहीं है दूसरा चीज क्या है कि ये शिकायत नहीं है मेरी ये नहीं, रियालिटी है ये शिकायत नहीं है हमारी ये रियलिटी है आज का सच है तो उसकी वजह से क्या है कि भाई अब जब, जब जमाने किसी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है लोग अपने माँ बाप को लेकर सीरियस नहीं है यार हमको तुमको लेकर क्या होंगे हम तो कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है हम कुछ भी नहीं है समझ रहे हो Correct. लोग अपने पेरेंट्स को लेकर कुछ भी किसी भी तरीके का मजाक तो ट्रोल तो भाई होने हम होने होने आज हो ही है बट मैं तैयार हां क्योंकि मेरे को मालूम है भाई कुछ नहीं होता आपका मेरे को गाना बजाना करना है मेरे को म्यूजिक करके मजा आ रहा है ठीक है देखा जाएगा करेक्ट फ्यूचर की टेंशन होती है सबको होती है होने भी चाहिए अगर वो होगी तो आप काम नहीं करोगे लेकिन लेकिन वो भी हो जाएगा यार हाँ बिल्कुल ये एक डेफिनेटली uh, सोच तो हमेशा होनी चाहिए लेकिन एक बात मैं तो उसके थ्रू जाना पड़ा ताकि अब हमको लगे कि भैया एंड ये बेस्ट चीज है मैंने कई और पॉडकास्ट में भी ये सुन लिया जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं वो बोले द बेस्ट पार्ट अबाउट कंटेंट क्रिएशन यू गेट इम्यून टू क्रिटिसाइजेशन एग्जैक्टली बिकॉज आपको लोग मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे मैं आपको बहुत फनी चीज बताता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा यूजर है जो मतलब फुर्सत टाइम निकाल के बुराई करता है आपकी हाँ भाई? हर वीडियो में आप, आपका वो सबसे बड़ा मरीज है आपको पता नहीं है वो <laughs> आपका सबसे भयंकर वाला फॉलोअर है वो। हाँ करेक्ट करेक्ट क्योंकि वो टाइम निकाल के दे रहा है मेरे को है ना अब बेस्ट पार्ट बताता हूँ आपको जब मैं वो शुरू वाले फेज में था मैंने देखा कि ये यूजर मतलब अगर वीडियो में जो उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है ना वहां आके भी कुछ ना कुछ वो ढूंढ के वो कमेंट कर ही देते थे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है definitely. तो मैं बोला एक बार तो मेरा गुस्सा आया मैं बोला यार इसको ब्लॉक करो ठीक है मैं मैं, मैं ब्लॉक 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 किया किया भी क्या मैंने आप मानोगे नहीं जैसे जैसे वो कर्व हुआ मेरा मैंने अनब्लॉक कर दिया उसको मतलब वाला एंटरटेनमेंट ही नहीं है खत्म हो गया अब वापस आओ और करिए बुराई आल्सो क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए अब एक्चुअली कि आपको चेक में रखें भाई एक और चीज पता है क्या मुझे क्या लगता है अभी हमारी जिस तरीके की एक चीजों को लेकर के समझ है जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं एक तो हम लोगों ना बहुत ये वाला कीड़ा भी है कि हमको ना और समझना है यार हम तो अभी ना हम और बदलेंगे देखना पता है हाँ और वही तो वही तो बात वही बदलाव नहीं हुई नहीं।, का नहीं कि नहीं हमको बदलना है हाँ हाँ फॉर द बेटर हम लोग करेक्ट हम लोग में आएगा कुछ ना कुछ और भी करेक्ट और वही बात आ गई ना कि हमारा आ, बेसिकली हमारा ये क्या बोलते हैं एफर्ट ये है हुँ. एफर्ट इस डायरेक्शन में है कि हमारा दिमाग खुला रहे बिल्कुल कि हम ओपन है न्यू आइडियाज के लिए हम लोग ठुकराएंगे नहीं उसको करेक्ट 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 और मैंने एक बहुत ही सुंदर कोट पढ़ी थी यार एक बार जिसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा जो आर्डेंट बिलीवर लाइक अ पक्का बिलीवर ऑफ गॉड और उसमें और who says कि ही इज़ डेफिनेटली श्योर कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करते hmm. दोनों क्लोज है दिमाग दोनों से दोनों से दोनों कि दोनों से। इसके अलावा देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी दोनों बिल्कुल

लेकिन वो कब पता करना चाहोगे हाँ, जब आपको पता लगेगा कि मेरे को नहीं पता है हाँ सही बात है <laughs> सही बात है बिल्कुल सही बात है अब आपको लगेगा कि आपको ऑलरेडी पता है दिमाग के द्वा, द्वार बंद है तो फिर कैसे ही फिर वो क्यूरियोसिटी आएगी नहीं और ये वापस अपने वो पहले वाले बात पे चली जाती है कि क्यों नहीं होते क्यूरियस क्यूरियस लोग बिकॉज ऑफ दिस ओनली इनफैक्ट मैं तो तेरे वास्ते आने के बाद ना लोगों ने लाइव वर्जन मतलब तलाशना शुरू कर दिया अब लोगों को थोड़ी पता है कि

लोगों का काम है कहना लेकिन ठीक है शायद कभी कभी ना कुछ कुछ लोगों के कहने में थोड़ा सीख भी छुपी होती है करे कर, कर कभी कभी ना वो चीज़ ना थोड़ा सा सेल्फ क्वेश्चनिंग मोड पे भी आपको ले जाती है और उससे आप कभी कभी बेहतर भी हो जाते हो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए लाइक आई थिंक ओपन रहना जरूरी है और वो आने चाहिए बहुत जरूरी है कॉमेंट्स तो आने चाहिए लेकिन ये तो एक डेफिनेटली एक ऐसा चीज़ है जो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो आपका कंटेंट है दुनिया में तो ये तो रेडी है यार मैंने नहीं सोचा था पता ये

है ना सच में ठीक हाँ है गाना आ गया है गाने हाँ आ रहे हैं और भी बट लोग जब तक आपको नहीं जानते तो वैल्यू नहीं है ना बिल्कुल की वैल्यू है तो अगर आप कुछ भी वाहियात बात भी कर रहे हो ना लोगों को अच्छी लगती हो तो उसके भी कुछ पोर्शन में लोग होंगे सुनने वाले बिल्कुल और कहीं ठीक कर बात सही है भाई हाँ क्योंकि चेहरे की बात सही है तुम्हारा चेहरे की औकात है हुँ, हुँ. अभी क्या हम लोग को कोई जानता नहीं है, और सच बात है। हमारी बातें भी नहीं थी रखना यार या क्या हाँ ये कौन है क्योंकि हमारे अभी चेहरे की वैल्यू नहीं है बट हो सकता है अगर ऊपर वाले ने चाहा काम आगे चला कभी चीजें अच्छी अच्छी आई कभी नाम थोड़ा हो गया तो अगर कभी लोग देखेंगे हम दोनों को तो फिर बिल्कुल शायद बिल्कुल, फिर बिल्कुल, हो, हो है। सकता है कि हमारी बेकार बात पे भी तब कोई नहीं होता है ठीक है जब आपको मतलब बिजनेस में भी ये मैंने बहुत देखा है जब आपको पैसा चाहिए होता है कभी नहीं मिलता है जब आपका यूनिकॉर्न बन चुका है तब आएंगे फिर आपसे कमाना होता है हाँ। वही वही वही। तो, तो वो है। ये तो एक यूनिवर्सल रूल है मेरे हिसाब से नहीं यार लेकिन एक बताऊं भले कुछ अचीव किया हम उन्होंने नहीं किया लेकिन समझ में बहुत कुछ आ रहा है यार <laughs> नहीं नहीं सच में यार मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ उस लाइफ का हाँ। मैं जहां से क्योंकि निकल के आता हूँ ना वहां से निकल के आने के बाद यहां बैठ के ये बात करना ना और इन इन सब चीजों के ऊपर बात करना अगर हम कुछ बात भी कर पा रहे हैं ना तो भाई देर समथिंग डेफिनेटली so, क्योंकि मैं और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं शायद मैं सोच पा रहा हूँ यार hmm. सोचना बहुत जरूरी है यार क्योंकि आज के दिन में आई थिंक लोगों से बैठ के बात कर पाना इन एन ओपन एटमोसफियर कि आपकी बातें भी सुनी जाएंगी बहुत मुश्किल है राइट right? मिलता ही नहीं है हाँ यार <laughs> वही तो वही तो बात है इसमें खैर मजा आ गया गौरव जी मजा आ गया गौरव जी गौरव जी <laughs> मैंने मैंने सोचा है कि इस वीडियो को जो इंट्रो है मैं मैंने सोचा कि आ, आप जाओगे तो उसके बाद करूंगा हाँ। लेकिन मैं आप करूंगा ठीक है इस वीडियो को इंट्रो हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। तो बोलूंगा देवी और सज्जनों आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं मैंने इनको जब पहली बार फोन किया और बोला कि सर मैं एक ऐसा ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बनाएंगे और बैठ के बस हमको बातें करनी है तो आप आएंगे तो इन्होंने बोला कि भाई तेरे वास्ते तो जरूर आना पड़ेगा <laughs> <laughs> ये बहुत अच्छा ये ये कि चांद तो पता नहीं लेके आऊंगा लेकिन गिटार जरूर लेके आऊंगा ले तो ये मेरे वास्ते गिटार लेके यहां पहुंच चुके हैं और ये बात मेरे को फोन पे सुन के इनसे इश्क नहीं इश्का हो गया था ओह oh, ओह oh, 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 <laughs> क्या बात है ये भी बहुत ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा <laughs> तो लेडीज एंड जेंटलमैन वरुण जैन थैंक यू सो मच गौरव जी आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को ये मकाम दिया कि मैं आज <laughs> 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 नहीं नहीं खत्म करो बैठा हुआ और आप मेरे को मेरी बातें कहने का मौका दे रहे हैं आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मैंने बताया जिसको अगर आज मेरे को पता है ना कि आज ये गेस्ट आने वाले हैं पूरा दिन पूरा दिन चाहे मैं कहीं भी इधर उधर उधर दिमाग में ही चलता है कि मैं इंट्रो कैसे इसका... पूछूंगा क्या? हाँ, पूछूंगा क्या, इंट्रो कैसे इसका। क्या? क्या हाँ। क्या इसको भी रखेंगे इंट्रो किया है मजा आया मजा आ गया बहुत खुश हो गई हमेशा मिलके मजा आता और ज्यादा मजा आया आज हाँ। आज बहुत ज्यादा बातें हुई है बिल्कुल बिल्कुल